हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने स्काई का बैकग्राउंड चेंज करके आप वहां पे वीडियो कैसे लगा सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने दो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्काई का बैकग्राउंड चेंज करके वहाँ पर आप इमेज कैसे लगा सकते हैं और वहाँ पर थंडर इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप वीडियो कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो की मदद से बताने वाला हूँ, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस पर अभी बहुत कम वीडियो बन रहे हैं टिकटॉक पे, तो अगर आप इस टॉपिक पे टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं तो आपका पक्का टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा लाइक मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो आपको कायन मास्टर ओपन करना है और आपको नॉर्मली इसमें आपको 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट करना है जो नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं। और आपको ऐसा वीडियो से अति शूट कर देना है अपने छत पे या कहीं पे जो अच्छा एंगल से शूट होना चाहिए वीडियो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इसका मतलब कलर फिल्टर में जाकर कलर चेंज कर देना है। तो यहाँ पर ब्लू वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा स्काई ब्लू हो चुका है। तो इस तरह से आपको अपने स्काई को पूरा ब्लू कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसे हम HD में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे HD में इसे एक्सपोर्ट कर देना है, तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि दोबारा से कायन मास्टर ओपन करके प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके 16:9 वाला रेशियो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको एक वीडियो ले लेना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे गणेशा वाला वीडियो बना रहा हूँ, आपको देखते हैं गणेश जी वाला। तो आप मैंने 15 सेकेंड का वीडियो ले लिया है, तो आप भी 15 सेकेंड का वीडियो ले सकते हैं। नहीं तो आप किसी वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब से वहाँ से आप कट कर ले 15 सेकेंड तक का क्लिप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिप हमने कट कर लिया है इस तरह से। और इसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया में जाना है और फिर वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था आपको वहाँ पे इसे यहाँ ले आना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे साइज देख लेना है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसे सेट करना है। तो आपको जैसा साइज अच्छा लगता है आपको वैसा आपको यहाँ पर क्रॉप कर देना है। उसके बाद इनेबल करना है यहाँ पर आपको जाके क्रोमा की वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू कलर होना चाहिए अगर आप ब्लू कलर का स्काई लेते हैं तो। और उसके बाद आप यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट में यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अच्छे से ग्रीन स्क्रीन को आपको यहाँ पे ब्लू स्क्रीन को अच्छे से कम्प्लीटली देख लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कलर फिल्टर में जाके भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कलर फिल्टर में जाके आप यहाँ पे इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर डाउन कर देते हैं कलर फिल्टर में जाके कलर को। तो इस तरह से हम कलर एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो को चलाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करके स्काई के वहाँ पे वीडियो को लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो वीडियो शूट किया था वो अच्छे एंगल में शूट नहीं हुआ था, तो आप जितना अच्छा एंगल में शूट करेंगे आपका वीडियो उतना ही बढ़िया बनने वाला है। और यहाँ पे अगर आप काफ़ी अच्छे से एडिटिंग करते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा वीडियो दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बस यहाँ पर एडिटिंग करके बता दिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा एंगल में शूट करते हैं वीडियो को और उसको कैसे एडिट करते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए यहाँ पे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टिकटॉक वीडियोज का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।